हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी रोगी विद्यार्थी चर्च एंड एज यू नो लास्ट सेशन में हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। इसमें हमने बल्ब के बारे में टर्मिनल्स के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कंसिडर एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ बल्ब एंड ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अब यहाँ पे पहली बात तो सेल के टर्मिनल्स कौन से होते हैं? जो यहाँ पे ये टॉप पोर्शन होता है और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसको हम प्लस माइनस करके हमने पढ़ा था, तो ये टर्मिनल्स हो गए इलेक्ट्रिक सेल के। देन बल्ब में जो नीचे हमारे पास मेटल वाला वो पार्ट होता है उसमें एक टर्मिनल होता है बिल्कुल एंड में और एक होता है मेटल की टॉप पे, है ना। तो ये दो टर्मिनल्स हो गए बल्ब के एंड ये दो टर्मिनल्स हो गए इलेक्ट्रिक सेल के। अब जब ये दोनों बल्ब के भी दोनों टर्मिनल्स और इलेक्ट्रिक सेल के भी दोनों टर्मिनल्स को हम ज्वाइन करते हैं बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। सो किससे ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्मिनल ज्वाइन हुआ है इस टर्मिनल से एंड यहाँ से हमने इसको ज्वाइन किया है इस टर्मिनल से। और जो ज्वाइन किया है वो किस चीज से किया है? वायर से, और उसको आप इलेक्ट्रिक वायर कह सकते हो। सच एन अरेंजमेंट ऑफ सेल एंड अ बल्ब इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये जो हमने अरेंज किया है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे होगा क्या? द बल्ब विल ग्लो। सो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे एनर्जी फ्लो होगी एंड होगा। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ द सर्किट इज सेट टू बी कंप्लीट इन दिस केस बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड बल्ब विल ग्लो। अब इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट है। अभी इससे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस सर्किट को हम कंप्लीट सर्किट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हर टर्मिनल का एंड दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। जब वो टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल की इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी एंड वो फ्लो होगी या पास ऑन होगी बल्ब तक, जिसकी हेल्प से बल्ब ग्लो करेगा। सो आई रीड इट अगेन। द सर्किट इज सेट टू बी कंप्लीट इन दिस केस बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड द बल्ब विल ग्लो। ओके, देन वन शुड बी केयरफुल व्हाइल सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन। सो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्राई इट कि हम ये करके देखते हैं, सो मेक श्योर कि आपके साथ आपके पेरेंट्स वगैरह या फिर आपकी स्कूल टीचर्स अगर हेल्प कर रही है तो आप उनकी सुपरविजन में करना, बिकॉज हो सकता है आपको इससे करंट वगैरह भी पास हो जाए, इससे आपको करंट लग सकता है। सो यू हैव टू डू दिस अंडर सुपरविजन। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं सर्किट किस किस टाइप के होते हैं।